लीड को चैलेंज को लेके। और यार जो आज का चैलेंज है ना, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली इजी ही है। थोड़ी सी हमें कंसेप्चुअल बिल्डिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, एक इंट्यूशन डेवलप करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए यार। तो क्वेश्चन का नाम क्या है, मिनिमम डिलीशन टू मेक अ करेक्टर फ्रिक्वेंसी यूनिक। बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है और स्ट्रिंग गुड जब कहलाती है जब वहां पे क्या होता है कि कोई नो डिफरेंट करेक्टर, कोई भी डिफरेंट करेक्टर ना हो, ठीक है। मतलब कोई टू डिफरेंट करेक्टर्स एस में सेम फ्रिक्वेंसी पे ना हो, मतलब सेम फ्रिक्वेंसी पे लाइन ना कर रहा हो। और हमें मिनिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स निकालने हैं जो हमें डिलीट करने पड़ेंगे मेक करने के लिए उसे गुड स्ट्रिंग, ठीक है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हमारी एस स्ट्रिंग गुड जब होती है जब हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है सभी करेक्टर्स की डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे मैं कहूँ कि यार एक स्ट्रिंग में ले लेता हूँ ए ए बी बी, अगर देखा जाए तो इसमें ए ए अगर हम देखें तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, ए की फ्रीक्वेंसी हुई टू। सिमिलरली बी की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, बी की फ्रीक्वेंसी भी टू हुई। तो यार दीज हैव टू सेम फ्रीक्वेंसीज, तो वी हैव टू डिलीट वन ऑफ देम, एंड बाय मेकिंग अ डिलीट देर इज अ डिलीशन ऑपरेशन, सो मिनिमम डिलीट इज वन। नेक्स्ट, इफ अवर स्ट्रिंग इज ए ए बी, इट्स ए फ्रीक्वेंसी इज टू एंड बी फ्रीक्वेंसी इज वन, तो देर इज नो, दिस इज अ गुड स्ट्रिंग बिकॉज देर हैव नो सेम फ्रीक्वेंसी। नाउ वी कैन कंसिडर अनदर स्ट्रिंग लाइक ए बी सी डी, ए बी सी डी, ओके। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, हियर वी कैन सी ए हैज़ टू फ्रिक्वेंसी, बी ऑल्सो हैव टू फ्रिक्वेंसी, सी ऑल्सो हैव टू फ्रिक्वेंसी एंड डी ऑल्सो। तो एवरी करेक्टर हैज़ अ सेम फ्रिक्वेंसी। नाउ हाउ कैन वी डील इट, सो बेसिकली वी कैन डील इट बाय मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी एरे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी एरे ऑफ 26 करेक्टर्स टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल अल्फाबेट्स। लेट्स कंसीडर लाइक, ठीक है, तो ए हैज टू फ्रीक्वेंसी, बी हैज टू फ्रीक्वेंसी, सी हैज टू फ्रीक्वेंसी, डी हैज टू फ्रीक्वेंसी। नाउ वी कैन इटरेट वन बाय वन, हियर इज अवर पॉइंटर, लेट्स इटरेट अवर पॉइंटर वन बाय वन, एंड वी नो कि वी हैव टू। फॉर मेकिंग अ यूनिक डिसीजन वी कैन कंसीडर अ सेट, सेट इज यूनिकली आइडेंटिफाई एनी इंटीजर, दैट्स व्हाई वी यूजिंग अ सेट हियर। एंड विद सेट वी नो कि सेट इज अवर एम्प्टी, सो बेसिकली अवर फर्स्ट फ्रिक्वेंसी इज पुट इन साइड अवर सेट लाइक दिस। नाउ वी मूव टू द अनदर पॉइंटर, एंड वैन वी गो टू द अनदर पॉइंटर दस अनदर करेक्टर हैव अ सेम फ्रिक्वेंसी विच ऑलरेडी लाई इन अ सेट, दैट्स वाई वॉट वी कैन डू, वी जस्ट माइनस इट बाय वन, इट मीन्स वी कैन डिलीट इट बाय वन। सो नाउ द फ्रिक्वेंसी इज वन एंड इट्स नॉट लाई इन द सेट, सो वी पुट इन द सेट। नेक्स्ट, इट्स टू, इट्स अगेन लाई इन द सेट, देन वी रिड्यूस इट टू द वन, बट वन इज ऑल्सो लाई इन द सेट, देन वी अगेन रिड्यूस इट टू द जीरो। एंड इफ देर इज जीरो देर इज नो नीड टू स्टोर इन द सेट बिकॉज जीरो मीन्स द स्ट्रिंग हैज टू बी दैट करेक्टर इज दैट करेक्टर मस्ट बी डिलीटेड फ्रॉम द स्ट्रिंग टू मेक इट अ यूनिक फ्रिक्वेंसी स्ट्रिंग, ओके गाइज। और सेम लाइक दिस, तो बेसिकली वॉट हाउ मैनी ऑपरेशन वी कैन डू, फाइव ऑपरेशन हियर, ओके। लेट्स कोड इट, हाउ वी कैन कोड इट, ओके। तो गाइस कोड करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए यार, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और कमेंट करना ना भूलें कि आपको यार क्या अच्छा लग रहा है हमारे साथ और आप क्या आगे चाहते हो हमारे से, वो यार जरूर अपना बताइए जिससे हम भी आपको समझ पाएं और हम भी आपको उतना दे पाएं, ठीक है गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लूंगा मैं, ठीक है। इनिशियली हमने क्या करा, हमने फ्रीक्वेंसी एरे बना लिया और फ्रीक्वेंसी एरे बनाने के साथ मैंने क्या करा, मैंने एक अनऑर्डर्ड सेट अपना बना लिया, ठीक
ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक अनऑर्डर्ड सेट बना लिया अपना एस टी, ठीक है गाइस। और अनऑर्डर्ड जैसे ही मैंने सेट बनाया, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपनी काम करूँगा करेक्टर सी एच, जो कि हमारा स्ट्रिंग में लाई कर रहा है, उसे मैं क्या करता चलूँगा फ्रीक्वेंसी एरे में, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एरे में मैं वन बाय वन अपना प्लस प्लस करते हुए चलूँगा, ठीक है। और अनऑर्डर्ड सेट जो हमने बनाया, अब उसका मेज़र काम हमारा आएगा कि भाई हमने क्या करा, जितना हमने प्लस प्लस कर लिया, हमने उसे 26 तक हमें ये चलाना है, एंड देन 26 तक चलाने के बाद अब यहाँ पे लगेगी हमारी वाइल कंडीशन। वाइल कंडीशन क्या, कि फ्रीक्वेंसी एरे में जो भी फ्रीक्वेंसी एरे में ग्रेटर देन ज़ीरो हो एक तो, ठीक है, अगर लेसर देन ज़ीरो तो वहाँ पे तो हमारी कोई बात है ही नहीं, ग्रेटर देन ज़ीरो हो, और ग्रेटर देन ज़ीरो के साथ हमें क्या करना है, हमें सेट में फाइंड ऑपरेशन लगा दिया उस फ्रीक्वेंसी ऑफ आई का, ठीक है। और ओके गाइस, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई का वो सेट ऑपरेशन लगा दिया, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ आई को वहां माइनस कर दूंगा बाय वन, ओके। और एक मैं अपना यहाँ पे आंसर वेरिएबल बना लूँगा जो कि इनिशियली ज़ीरो होगा, और डिलीशन ऑपरेशन हुआ एक, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आंसर को प्लस प्लस कर दूँगा, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद अगर ये हमारा यहाँ पे नहीं मिलता तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट कर दूँगा इसमें, और इंसर्ट क्या करवा दूँगा, अपने अपनी फ्रिक्वेंसी ऑफ आई को इंसर्ट करवा दूँगा, और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा आंसर। तो आइए रन करते हैं। और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं गाइस। और इसी के साथ हमारा डेली लीड कोड चैलेंज आज का कंप्लीट हो गया है, और फिर से कल मिलते हैं।